माय चैनल। तो आज है फ्राइडे और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो आज मैं ब्लॉग थोड़ा लेट ही स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने दोपहर में एक ब्लॉग शूट कर लिया था इंटीमेट हाइजीन के ऊपर कि जो ब्लॉग मेरा फिलहाल एडिट हो रहा है। एडिट होने के बाद में मैं अभी हाफ एन आवर में उसे पब्लिश कर दूंगी। तो आज इसलिए मैं थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट करने में लेट हो गया है। मेरे हस्बैंड अभी अभी आ गए हैं तो हमें आज ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना था। तो चलिए चलते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। साथ ही साथ मुझे इलेक्ट्रिक बिल भी पेड करने जाना है तो हम दोनों भी काम कर लेंगे एक ही साथ में। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड रेडी होने के हैं, मेरी बेटी भी रेडी होने की है, वो लोग रेडी हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, अगर हो सके थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी अभी हम लोग आ गए हैं वापस। थोड़ी देर के पहले ही मैं आ गई थी। सो मैंने ग्रोसरी शॉपिंग कर ली है और साथ में मैंने थोड़े कच्चे आम लाए हैं, उसे मैं अचार बनाने वाली हूँ। तो मैं आप सबके साथ अचार वाली भी रेसिपी जरूर जल्दी शेयर करूँगी मैं। तो मैंने जो आम है वो ऐसे ही लाए हैं, उसे काटे नहीं है। हाँ, तो मैंने उसे काटे नहीं है। तो देखती हूँ मैं, अगर काटने के लिए कुछ अगर मिल जाता है तो उसके बाद में मैं रेसिपी भी शूट कर लूंगी। तो हम लोग अभी अभी आ गए हैं। तो आते बराबर मैं बैठ गई थी, बहुत धूप है बाहर, तो इतनी बारिश होने के बाद भी बाहर बहुत धूप है तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ऐसे ही बैठ गई थी। तो उतनी देर में मेरी बेटी ने घर का क्या हाल कर दिया ये मैं आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ है मेरी बेटी पीकू, से हाय। यहाँ मेरे हस्बैंड है। तो चलिए मैं आपको घर का हाल दिखाती हूँ, उसके बाद में फिर मैं फ्रेश होके ग्रोसरी जो है वो सब निकाल के रख दूंगी। हाय, हेलो फ्रेंड। मैं अभी फिलहाल कंपनी से आया हूँ और कंपनी से आने के बाद मेरे वाइफ ने मुझे बाहर शॉपिंग करने के लिए लेके गए, इसलिए मेरा जो चेहरा है वो थोड़ा रफनेस और पोरनेस दिख रहा है। अरे, मेरी बेटी मेरे गाल पे हाथ लगा के बोल रही है कि पापा जाओ आप नहा लो। ठीक है, अभी मैं नहा लेता हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। मेरे हस्बैंड को नहाने से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है। तो आप प्लीज कमेंट करके बोलिएगा इन्हें नहाने के लिए, ये ड्यूटी से आने के बाद नहाते ही नहीं है, इनको नहाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो पहले मैं उनके पीछे लगती थी, जाओ जाओ शावर लो करके, अब मेरी बेटी उनके पीछे लगती है। देखिए इसका प्यार देखिए। तो कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि भैया बोलते नहीं है, तो इसलिए आज उन्होंने थोड़ा बहुत आपसे बात करने के लिए ट्राई किया है। वैसे वो कैमरा शाय है, उनको अच्छा नहीं लगता ज्यादा कैमरा के सामने आके बात करने के लिए, तो वो कैमरा देख के वो नर्वस हो जाते हैं। तो आज मैंने उनसे कहा था कि व्यूअर्स कह रहे हैं कि आप बात नहीं करते, इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत बात किया है। तो अब मैं दिखाती हूँ मेरी बेटी ने ये 10 मिनट में घर का क्या हाल कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये वहां पे भी टेबल पे भी इसने पूरे खिलौने बिखेर दिए हैं, नीचे में भी यहाँ पे सोफे के कवर सब उसने उतार दिए हैं, यहाँ पे सब कुछ उसने बिखरा के रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ उसकी सैंडल है, इसने सब कुछ फेंक दिया है। तो अभी मैं थोड़ी देर में पहले फ्रेश हो जाती हूँ, इसे कुछ खिला देती हूँ, उसके बाद में मैं सब कुछ साफ करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहे वो कच्चे आम जो मैंने लाई हूँ। तो ये मुझे 40 रुपीज़ पर केजी में मिले हैं, तो ये मैंने 2 केजीज़ लाई हूँ। तो अभी मैं इसे वॉश करके रखूँगी, शाम में मुझे इसके अचार बनाने हैं। देखते हैं, अगर शाम में काटना होता है तो शाम में बनाते हैं, नहीं तो कल बनाते हैं।
सो फ्रेंड्स ये रहा, मैंने ग्रोसरी सब निकाल लिया है नीचे, अभी मैं इसे डिब्बों में भरूंगी। तो मैंने सोचा पहले आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पोहे लाए हैं जो चूड़ा बनाते हैं, ये वो वाले पोहे हैं। उसके बाद में ये कुछ फिंगर्स है, ये मेरे हस्बैंड को पसंद है, ये मैं उनके लिए लाती हूँ हर महीने में एक पैकेट। उसके बाद में यहाँ कुछ पार्ले जी बिस्किट्स है, यहाँ क्रीम बिस्किट्स, ये नमकीन बिस्किट्स है, तो ये कुछ टाइप्स के बिस्किट्स है यहाँ पे, और ये पार्ले जी, और यहाँ पे रस्क लाई हूँ मैंने एक। उसके बाद में ये विक्स की डब्बी लाई हूँ मैं एक छोटी सी, और ये एक बाम लाई हूँ मैं, घर में विक्स और बाम होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में ये मेरे हस्बैंड ने शेविंग क्रीम लिए हैं गोदरेज की। उसके बाद में मैंने एक छोटी सी अचार की बॉटल लाई हूँ, क्योंकि घर का अचार पूरा ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैंने एक छोटी सी अचार की डब्बी लाई हूँ। उसके बाद में चीनी है, और ये कुछ मैंने वेफर्स के पैकेट लाई हूँ, ये मेरे फेवरेट वेफर है, ये टकाटक मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैंने दो पैकेट्स लाई हूँ, एक मेरे लिए एक मेरी बेटी के लिए। मेरे हस्बैंड तो खाते ही नहीं, उनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद। उसके बाद में मैंने ये डेट्स का एक पैकेट लाई हूँ, और कुछ मैगी के पैकेट्स हैं यहाँ पे, यहाँ कुछ पास्ता के पैकेट्स हैं, यहाँ पे सूजी है, और बेसन का पैकेट है, यहाँ पे मेरी बेटी का बोनवीटा है, मेरी बेटी का बोनवीटा ख़त्म हो गया था, तो ये लिटिल चैम्प्स वाला है, 2 to 5 ईयर्स वाला, तो मैं मेरी बेटी को जब से 2 साल की हुई यही पिलाती हूँ। उसके बाद में एक ऑयल की बॉटल लाई हूँ आमला वाली। उसके बाद में पेस्ट है दंत कांति, और यहाँ साबुदाना है, और मूंग दाल, और ये मूंग है, इससे जो हम फ्राई हुसड़ बनाते हैं ये वो वाला है। उसके बाद में ये अचार का मसाला लाई हूँ मैं 45 रुपीज़ का, ये जो मैं अचार की रेसिपी बनाऊंगी उसमें बताऊंगी मैं आपको ये किस तरह से यूज़ करना है। उसके बाद में रिफाइंड ऑयल के पैकेट्स लाई हूँ मैं कुछ, और फिर यहाँ पे मैंने ये कुछ रेडीमेड पापड़ लाई हूँ। तो ये रेडीमेड पापड़ है, ये शायद चावल के पापड़ है, ये कुछ ऐसे डिजाइन वाले हैं, जब मैं इसे तलूंगी तब मैं आप सबको दिखाऊंगी, तो ये मुझे देखने में बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने शायद ये दिख नहीं रहे हैं, इसके ऊपर ऐसे लाइनिंग लाइनिंग टाइप है, तो ये मुझे कुछ अच्छे लगे इसलिए मैंने ये एक पैकेट ले लिया, ये 20 रुपीज़ का एक पैकेट पड़ा है मुझे। उसके बाद में मैंने पोहे लाए हैं, और यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ये काजू है, यहाँ इलायची है, कार्डमन है, यहाँ पे आलमंड्स है, और ये किशमिश का एक पैकेट लाई हूँ मैंने, ये सब मेरी बेटी ने फोड़ के थोड़ा थोड़ा खा ली है सब में से, यहाँ बिस्किट्स भी कुछ फूटे हुए हैं, तो वो ऐसे ही करती है, या तो दुकान में या तो फिर घर में लाते वाओ सब फोड़ना चालू कर देती है। उसके बाद में मैंने कुछ फेयर एंड लवली के पाउचेस लाई हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, फिर रेड लेबल के 2 पाउचेस लाई हूँ, घर में थोड़ी चाय पत्ती बची हुई थी इसलिए मैंने ये छोटे लाई हूँ 2 पैकेट्स। उसके बाद में ये लाई हूँ मैंने, ये भुना हुआ चना मेरी बेटी को बहुत पसंद है, ये बच्चों को देना चाहिए, ये बहुत हेल्दी होता है, तो ये मैं हमेशा घर में रखती हूँ, मेरी बेटी हमेशा खाती है ये। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ साबुन लाई हूँ, जैसे कि आप सबको पता है मैं हाथों से ही कपड़े धोती हूँ, मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मुझे ये साबुन लगता है, तो डिटर्जेंट पाउडर मेरे घर पे है ऑलरेडी, तो मैंने सिर्फ साबुन लाई हूँ सर्फ एक्सल, और ये बर्तन घसने वाले साबुन लाई हूँ, और साथ में ये मेरे लिए एक पियर्स लाई हूँ मैं। उसके बाद में क्लिनिक प्लस के पाउचेस लाई हूँ, साथ में मूंगफली है, यहाँ पे मैंने एक गरम मसाला लाई हूँ, और ये है सोया चंक्स लाई हूँ मैंने, और ये मेरी बेटी के कुछ जेम्स है, और यहाँ पे सोप लाई हूँ, जैसे मैंने आप सबको बताया मुझे सोप खाना बहुत पसंद है, मैं हर महीने में ये एक सोप का पैकेट लाती हूँ। उसके बाद में यहाँ कुछ मैंने खड़े मसाले लाई हूँ, इसका नाम क्या है तो मुझे पता नहीं, लेकिन इससे सब्जी बहुत अच्छी बनती है, जो ग्रेवी होती है वो उसकी कलर भी अच्छी आती है, और थिक भी होती है थोड़ी ग्रेवी। उसके बाद में ये ब्लैक कार्डमन लाई हूँ, और क्यूमिन सीड्स लाई हूँ मैंने, तो बस मैंने इतना ही लाया है, तो अभी मैं इसे फटाफट से डब्बे में अरेंज कर लेती हूँ, और यहाँ चीनी थी शायद मैं दिखा चुकी हूँ, तो चलिए फटाफट से अभी इसे अरेंज कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरी बेटी भी मुझे हेल्प कर रही है। उसका कहना है कि मम्मा जो काम करेगी वो मैं भी करूँगी, तो वो मुझे हेल्प कर रही है। सो फ्रेंड्स मैंने सारा सामान अरेंज कर दिया था। उसके बाद में मैंने घर में झाड़ू लगा दिया है, साथ में मैंने गैस काउंटर क्लीन कर लिया था। मैंने बर्तन वैसे ही छोड़ दिए घसने के लिए, मैं थोड़ी देर में घसूंगी। अभी हमें थोड़ा मार्केट में जाना है, कुछ नॉनवेज वगैरह लाना था, तो अभी मैं मार्केट में जाऊंगी। उसके बाद में आने के बाद मुझे डिनर बनाना है और बर्तन घसना है, तो चलिए पहले जाके आ जाते हैं। ये मेरी बेटी यहाँ पे रेडी हो गई है पिकू, तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने डिनर चढ़ा दिया है, एक साइड पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, चावल पक रहे हैं। दूसरी साइड तब तक मैं खड़े मसालों को थोड़ा हल्का सा रोस्ट कर लूँगी थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो मैंने इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, क्यूमिन सीड्स डाला है, और अब मैं इसमें एक अनियन कट करके डालूँगी, और थोड़े से तेल के साथ मैं इसे थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए इसे रोस्ट करूँगी तवे पे। सो फ्रेंड्स इसी तरह से अनियन और खड़े मसालों को हल्का सा ऑयल में रोस्ट करके बाद में पेस्ट करो, तो इससे सब्जी का कलर थोड़ा डार्क आ जाता है और सब्जी भी हल्की सी टेस्टी बन जाती है। तो ये मेरे मॉम का तरीका है, ये मेरा मॉम का सीक्रेट है एक, जो मैं भी फॉलो करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कभी ट्राई करके देखिए। नॉनवेज अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसमें सारे के सारे खड़े मसाले और अनियन को एक साथ में हल्का सा ऑयल के साथ रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद में इसे जिंजर और गार्लिक के साथ पेस्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स मेरा जब तक मसाला भून रहा है तब तक मैं जिंजर को काट के मिक्सी के जार में रख दूंगी। तो मेरा मसाला भी भून चुका है, तो अब मैं इसे जार में ट्रांसफर कर दूंगी, और अब इसमें मैं गार्लिक के क्लव्स भी डाल के इसका पेस्ट कर लूँगी। पहले इसे थोड़ी देर के लिए मुझे ठंडे होना देना पड़ेगा, क्योंकि गरम गरम हम पेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसको ठंडा होते तक मैं रोटी के लिए आटा गूंथ लूँगी। सो फ्रेंड्स मैंने आटा गूंथ लिया है, अब मैं नॉनवेज को बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। तो नॉनवेज में हमने बकरे का जो पेटी मिलती है मार्केट में, हमने वो लाया है, तो मैं उसे बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक वो बॉईल हो रहा है मैं एक साइड में रोटी बनाना चालू कर दूंगी। इस तरह से खाना बनाने से हमारा खाना फटाफट से बन जाता है। तो मैं इसी तरह से दोनों भी साइड में फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो चलिए अब मैं पहले रोटी सेक लेती हूँ।
सो फ्रेंड्स मेरी रोटियां भी बन गई है, चावल भी मेरा बन गया था, और जो मैंने कुकर में नॉनवेज बॉईल होने के लिए रखा था वो भी बॉईल हो गया है। अब मैं कुकर ठंडा होने दे रही हूँ, तो तब तक मैं दूसरी साइड में सब्जी को तड़का लगा दूंगी। तो हमने इस बकरे के पेटी के अलावा हमने चिकन भी लाए थे, तो मुझे दोनों भी सब्जी बनानी है आज एक साथ। तो अभी मैं एक साइड में चिकन बॉईल कर लेती हूँ, सॉरी चिकन को तड़का लगा दूंगी। तब तक मेरा कुकर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में मैं उस सब्जी को भी तड़का लगा दूंगी। सो फ्रेंड्स मैंने चिकन में तड़का लगा दिया है, चिकन पक रहा है, तब तक मैं दूसरी सब्जी में भी तड़का लगा दूंगी। मेरा कुकर ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसमें भी तड़का लगा दूंगी, फिर दोनों भी सब्जियां एक साथ पक के तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी दोनों सब्जियां एक साथ बन के तैयार हो गई है। अब मैं दोनों में भी ग्रीन कोरिएंडर चॉप करके डाल दूंगी और साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी लास्ट से फ्लेवर के लिए। और बस अब डिनर तैयार है, तो मैं आपको एक बार ठीक से दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। फ्रेंड्स मेरा डिनर बन के तैयार है, ये रहा नॉनवेज, ये गोट की पेटी जो आती है ये वो वाला है, तो ये मैंने इसे सूखा ही बनाया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे चिकन बनाया है,
बाद में यहाँ राइस है और यहाँ पे मैंने चपाती बनाई है। तो चलिए हम पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा डिनर हो गया था, उसके बाद में हम लोग मेरे मॉम इन लॉ के यहाँ गए थे। हम लोग जब डिनर कर रहे थे तभी मुझे फ़ोन आया था कि मेरे सिस्टर इन लॉ आए हैं वहाँ पे, तो उन लोगों ने फ़ोन किया था, उन लोगों ने मिलने बुलाया था हम लोगों को, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। उसके बाद हम लोग जस्ट अभी अभी आए हैं, अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो हम लोग अभी अभी आए हैं। तो मैंने जब भी मार्केट गई थी तब मैंने कुछ सामान शॉपिंग करके लाई थी, मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी, तो मैंने दिखाया ही नहीं थे। तो ये नींबू लाए थे मैंने कुछ, तो इसे मैं अभी अरेंज करके रख दूँगी सोने से पहले। और उसके बाद में मैंने ये मेरी बेटी के लिए कुछ लाए थे, जो ये जो राइस की जो बद्दे है लाया, ये बहुत पौष्टिक होते हैं बच्चों के, तो ये मैं हमेशा ला के रखती हूँ घर पे। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि मेरा एक ब्लाउज सिलना बाकी है, तो वो मुझे सिलना है, तो उसके मुझे कुछ सामान लाने थे, जैसे मैंने ये कप्स लाए हैं। उसके बाद में मैंने उसमें लगाने वाले ये लटकन्स लाए हैं दो, ये 30 रुपीज में पड़े हैं मुझे दो। उसके बाद में मैंने कुछ क्लचर्स लाए थे, मेरी बेटी मेरे क्लचर से तोड़ देती है, मुझे अक्सर हफ्ते दो हफ्ते में क्लचर लाते रहना पड़ता है, तो मैंने ये कुछ इस टाइप के क्लचर लाई हूँ। और ये दो मैंने बालों को टाई करने के लिए, सब पूरे ऊपर करके जब हम काम करते हैं तो बहुत गर्मी होती है, तो एक साथ टाई करने के लिए मैंने ये दो लाई हूँ। तो मैं बस इतना ही लेके आई थी, तो मैं सामान को अरेंज करके रख दूंगी, उसके बाद में फिर मैं सोने जाऊंगी। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। तो आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैंने जो जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए थे मैंने उन लोगों के नाम भी नहीं निकाल के रखे, तो सो सॉरी फॉर दैट। तो मैं कल पक्का सबके नाम निकाल के रख के सबके नाम लूंगी कल के ब्लॉग में। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा है इडली की रेसिपी डालने के लिए और घी की रेसिपी डालने के लिए और साथ में मोदक की रेसिपी डालने के लिए, मैंने आज शांति से बैठ के कमेंट्स पढ़े तो मुझे पता चला कि बहुत से लोगों को घी इडली और मोदक की रेसिपी चाहिए है। तो मैं वैसे भी सोच ही रही थी अभी सारे रेसिपीज शूट करूँ, बहुत दिन से कुछ रेसिपी नहीं डाली हूँ, तो चलिए अब एक एक दिन में एक एक रेसिपी डाल दूंगी। कल परसों मैं मोदक की डाल दूंगी, उसके बाद में मैं इडली की डाल दूंगी, और मेरे पास घी के लिए मलाई जमा होने की है, अभी 2 ही दिन की मलाई जमा हुई है मेरे पास, तो मैं और 3-4 दिन की मलाई जमा कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं घी की भी रेसिपी डाल दूंगी, उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा बहुत सोच के रखा है तो वो भी रेसिपी डालूंगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ कल एक नए से एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे एक बड़ा सा लाइक दीजिए, और आप मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए और किस चीज़ की रेसिपी चाहिए है, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।